जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान, हौसलों को कर बुलंद पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो हमारे अंदर उमंग उत्साह होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, चाहे वो लक्ष्य कितना ही छोटा क्यों ना हो और चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, वैल्यूज की पूरी सीरीज चलती आ रही है, हमने जान लिया कि किस तरह से वैल्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे इनर वैल्यूज जो है उन्हें हमें इनकल्केट करके रखने की जरूरत है, क्योंकि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो हम उस समय पर यूज नहीं करते हैं तो हम हताश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम एक ऐसे वैल्यू के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एंथुजियाज्म। बोलने में ही उमंग उत्साह बढ़ने लगता है, क्योंकि संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हमारे संकल्प में खुशी है, उमंग उत्साह है, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैसा भी काम हो उमंग उत्साह से आप करेंगे तो थकेंगे नहीं, बिल्कुल ना, उसको आप पूरा करेंगे, बीच में छोड़ नहीं देंगे। तो इसके कारण उमंग उत्साह एक बहुत अच्छी वैल्यू है जी, कि जिसको हर एक को धारण करना चाहिए। उमंग उत्साह अच्छा होगा तो आप बीमार भी नहीं होंगे। करेक्ट। कई बार देखा गया है, मुझे भी याद है कि भी काफी समय पहले की बात है, शायद 81 की स्टार्टिंग की बात होगी जी, कि तब उमंग उत्साह था जी, तो है ना, एक्चुअली तो फिर पता चला वो टीबी कहीं से भी शायद, तो इंटर्नशिप करते समय इन्फेक्शन आया होगा जी, है ना, और टीबी था लेकिन उमंग उत्साह था तो पता नहीं चला, काफी समय चला फिर वो सिम्टम्स आए बाद में। करेक्ट, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर में खुशी तो होती है चीजों को लेकर के, कि हम ये कार्य कर रहे हैं या मुझे भगवान ने इस कार्य के लिए चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आसपास के वातावरण से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम खुश रहते हुए भी उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अपने आप को एक बेटर लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ाने के लिए और एक सुखद भविष्य के लिए इंथुजियाज्म कितना ज्यादा जरूरी है। जैसे कहा कि इंथुजियाज्म नहीं होगा तो चल आप करेंगे लेकिन उसमें जल्दी थक जाएंगे। True. आप वो कार्य ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। True. है ना, आसपास के लोगों को भी वो मैसेज मिलेगा, जो आपके वाइब्रेशंस जाएंगे वैसे ही वाइब्रेशन जाएंगे, तो भला आप कर रहे हैं लेकिन आसपास के लोगों को भी वो जो संदेश जा रहे हैं वो अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके चेहरे पे उमंग उत्साह नहीं है ना। तो इसके कारण उमंग उत्साह को खुद ही क्रिएट करना। करेक्ट। एक तो वातावरण क्रिएट करेगा, आसपास का माहौल क्रिएट करेगा, आसपास का माहौल चाहे कैसा भी हो तो भी मुझे उमंग उत्साह को बरकरार रखना है। करेक्ट। क्योंकि मैं वातावरण से प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं वातावरण को प्रभावित करता हूँ। वाओ, अगर दिस इज अमेजिंग, ये आपने कितनी सही बात कही कि हम वातावरण को क्रिएट करते हैं। तो पावर इज इन मी, जो हम भूल चुके हैं कहीं ना कहीं, कि अगर हमको ये पता चल जाए कि पावर मेरे अंदर है और मैं सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा हूँ, तो हम पूरा जो एक जिम्मेवारी होती है वो हम खुद पर ले लेंगे। हाँ। जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो मुझे लगता है कि अगर हमें उमंग उत्साह से जिंदगी को बिताना है तो उसके लिए खुद को इंचार्ज बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अनेका बेन, कई लोग ये भी कहेंगे कि आसपास के लोग बहुत खराब है ना, कि बॉस अच्छा नहीं है, सारी टीम में कोई सहयोग नहीं देता है, लेकिन फिर भी हमें उमंग उत्साह को कायम रखना। ट्रू। और हो सकता है
क्योंकि ये तो सेल्फ मोटिवेशन है ना। करेक्ट। वंग उत्साह को बढ़ाना वो कोई एक्सटर्नल चीज पर आधारित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि भी मौसम आएगी तो ठंडी आएगी गर्मी आएगी, परंतु उमंग उत्साह को तो हम अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल है ना, बॉस अच्छा भी है शायद तो थोड़ा कोल्ड भी है, परंतु हमें हमारा उमंग उत्साह कायम रखना है। बिल्कुल, क्योंकि उससे मुझे फायदा है। नहीं, औरों को तो बेनिफिट है ही, परंतु सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे है क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। करेक्ट। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेरी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। करेक्ट। और जो उमंग उत्साह से भरपूर है ऑटोमेटिक सोशल हेल्थ को तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर साहब। पर कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नए शुरुआत करते हैं और अगर हमें फेलियर का सामना करना पड़े, सपोज मैं एक कंप्यूटर चलाना सीख रही हूँ और या मम्मी को सिखा रही हूँ जिन्होंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो सबसे पहले जो एक ब्लॉक आता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकती, जैसे मैं मेरी मम्मी को बताती भी हूँ कि मम्मी मैं आपको सिखा देती हूँ, लेकिन वो पहले ही ना बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम लो है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, या क्या कारण है? क्योंकि हम शुरुआत ही नहीं करते, हम शुरुआत करने से ही डरते हैं। ये लेकिन बहुत सारे कारण है। बिल्कुल। कि भी सेल्फ एस्टीम लो होना भी कारण है। करेक्ट। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनका पूर्व अनुभव है कि जो भी वो सीखते हैं और सीख से सीख नहीं पाते। करेक्ट। और उन्होंने एक मान्यता बना ली कि मैं ठीक से नहीं सीख पाऊंगी। करेक्ट। ना, तो इसके कारण भी वो नहीं करते। बिल्कुल। है ना, और कहीं जो लोग नेगेटिव है कि मैं कुछ काम का नहीं, यानी मेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता है। करेक्ट। ऐसी जिनकी मान्यताएं हैं वो भी फिर वो कार्य को शुरू ही नहीं करेंगे। उमंग उत्साह तो छोड़ दीजिए, उमंग उत्साह सेकंड स्टेप है अपने का, इसमें फर्स्ट स्टेप है कि एटलीस्ट तुम स्टार्ट करो कंप्यूटर सीखना, वो इनिशिएटिव ले ही नहीं रहते हैं। फिर हो सकता है कि भी आप में वो कला है, अब तक आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया ना, कीबोर्ड पे आपके हाथ घूमने लगेंगे, आप उन चीजों को सीख लेंगे। बिल्कुल। तो उमंग उत्साह से पहले फर्स्ट स्टेप आता है कि आपको इंटरेस्ट दिखाना है। डॉक्टर साहब, इंटरेस्ट के लेवल पे अगर हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें इंटरेस्ट करती है उसके लिए तो हम एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन जो चीज हमें इंटरेस्ट नहीं करती है वो हम पूरे दिन में अवॉइड कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह से वो चीज अवॉइड हो जाए। सपोज मुझे बॉस को कन्फ्रंट करना पसंद नहीं, तो पूरे दिन में मैं बॉस के केबिन के आसपास भी नहीं भटकूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे डांट देंगे या मुझे पसंद नहीं करते। तो एक मान्यता जब हम बना लेते हैं तो हम चीजों से भागने लगते हैं। बिल्कुल। ऐसे में उमंग उत्साह की तो कोई कारक कोई चांस ही नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं करेगा ना। बिल्कुल। वहां ही है जैसे जो हमारी पहली वैल्यू है ना, सजगता जी, वो आएगी कि मैं समझू कि ये कहीं पर मेरे में नेगेटिविटी है। हो सकता है कि बॉस ने मुझे चार बार डांटा लेकिन पांचवी बार प्रेस भी करेंगे। करेक्ट। जब भी डांटा तब मैं भी फाइंड आउट करूं कि वो क्या चाहते हैं। वो कुछ चीज आपसे चाहते हैं, हो सके कोई स्किल्स चाहते हैं, एक स्पेसिफिक वे में काम करना चाहते हैं, आप अपने आप में कुछ बदलाव चाहते हैं तो बदल लीजिए। उल्टा जब भी डांटा तब ये सोचो कि उसमें 0.1% तो सत्य होगा। करेक्ट। है ना, नहीं तो कोई भी नहीं डांटेगा। है ना, समझो किसकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी है तो वो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी ड्रेस सेंस ठीक नहीं है। क्योंकि वो तो अपोजिट है, तो जब कहा तो 0.1% तो उसमें वो बात है। करेक्ट। और उस अनुसार मुझे अपने आप को चेंज करना है ना, वही सारी बात को अगर वो पॉजिटिव रूप में ले, है ना, स्पेशली जब बॉस है तो मान्यता बनाओ ही नहीं। करेक्ट। ना, क्योंकि उनके साथ कहीं समय रहना है आपको, वहां एक पॉजिटिव अप्रोच होगा तभी आप उनके साथ अच्छे से काम कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे उस डिपार्टमेंट में। ट्रू। हाँ, ये तो मैंने मान लिया कि एंथुसियाज्म को अपनी जिंदगी में लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और किसी भी कार्य को अगर सफलता की ओर आगे बढ़ाना है तो एंथुसियाज्म इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। ट्रू। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि एंथुसियाज्म का हम अर्थ नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े समय के लिए तो एंथुसियास्टिक रहते हैं फिर पूरी तरह से डिग्रेड हो जाते हैं। तो एक सही बैलेंस तरह से एंथुसियास्टिक हो करके किसी कार्य को पूर्ण करना, ये कैसे पॉसिबल है?
सबसे पहले तो ये समझना चाहिए, हमने चर्चा भी की कि क्यों महत्व है जी ना, और उसका इतना महत्व है कि वह स्किल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। चार्ल्स स्वैब, एक करीब आज से 80 साल 90 साल पहले की बात है जी, कि वो एक स्टील कंपनी में जॉब करते थे और उनको बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाती थी। तो किसी ने पूछा कि भी आपको इतनी बड़ी तनख्वाह दी जाती है, क्या आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। मेरे से बहुत लोग इस कंपनी में है जिनको स्टील मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा नॉलेज है, परंतु मुझे इतनी तनख्वाह इसलिए दी जाती है क्योंकि मैं लोगों में उमंग उत्साह भर पाता हूँ। वाओ, है ना, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। करेक्ट, है ना, और वह सीधी बात नहीं है, है ना, कुछ करना होगा। आज है ना, कई बार तो हम उमंग उत्साह भरने के बदले व्यक्ति को नेगेटिव कर देते हैं। एक बड़ी कंपनी के मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में प्रोग्राम के लिए बुलाया। फिर बाद बात में उन्होंने कहा कि जब मैं शुरू में इस कंपनी में ज्वाइन हुआ तो सवेरे सवेरे मैं गया वहां पर, तो ना कोई वो चेकिंग के लिए नहीं आया था, तो हमारे बड़े बॉस आए, कहा क्यों फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं है, है ना। फिर से शाम को बहुत लोग आ गए, है ना, बहुत भीड़ हो गई, सारे वर्कर चेकिंग के लिए आए, तो फिर से आए, बोले सब लोग क्या कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, काम नहीं कर रहे हो। तो ना दोनों रीति से उन्होंने उमंग उत्साह को डाउन किया। करेक्ट ना, तो बस ये नहीं करना है। बिल्कुल, अभी कोई दोनों में उमंग उत्साह को अच्छा भी रख सकते, बिल्कुल, है ना। फॉर एग्जाम्पल गए सवेरे, देखा कि भी कोई, तो बोला अच्छा चलो अभी तुम रिलैक्स कर लो, थोड़ी देर कोई नहीं है, फिर शायद तुम्हारे पास बहुत पेशेंट आ जाएंगे, तो उनको अच्छा लगता। हो सकता 2 मिनट बैठ के और भी पूछते कि तुम क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, किस प्रकार की बीमारियां हैं हमारी कंपनी में, है ना, लोग क्या शिकायत लेके आपके पास आते हैं, तो उनको अच्छा लगता। ट्रू, है ना। शाम को भी जब आए तब भी बोलते कुछ कि देखो इतने लोग तुम बीमार हो, तुमको क्या चाहिए, है ना, क्या कर सकते हैं ताकि तुम सब हेल्दी रहो। बिल्कुल, है ना। तो ऐसे दोनों सिचुएशन में कोई उमंग उत्साह को कम कर सकता है, कोई उमंग उत्साह को बढ़ा सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार ना हमें समझते ही नहीं, जैसे और एक पारसी भाई मेरे पास आते थे कि वो है ना जो कंपनी में थे, उनके फादर संभालते थे जी। अभी उनका बेटा संभालता है। ओके। तो उन्होंने कहा कि अभी ये कंपनी मुझे छोड़। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि मैंने करीब 30 साल से इस कंपनी में काम किया, यानी हमारे घर जैसे संबंध है, कि अभी ये जो बेटा कंपनी को संभाल रहा है वो डांट के ही बात करता है ना, वो प्यार से बात ही नहीं करता है। तो ना वो इतना अच्छा ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति, अजय ना कई बार ट्रस्ट बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, कई काम ऐसे होते हैं कि जो ट्रस्ट के बगैर नहीं हो सकते, हाँ, जिसमें एक ऑनेस्ट बंदा आपको चाहिए। तो उन्होंने एक ऑनेस्ट बंदे को गंवा दिया क्योंकि डांट के काम करने लगे। बिल्कुल। नहीं, कई बार ईगो भी होता है कि भी मुझे तो सब आता है, मैं ठीक से कर लूंगा। सही बात है डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है एज ए लीडर बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप एंथुजियास्टिक रहें। अगर आप खुद डीमोटिवेटेड है तो आप अपनी ग्रुप को कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली, हाँ। ऐसे में कौन से ऐसे तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे एक लीडर अपने कोवर्कर्स के अंदर में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म को इनकल्केट कर पाए, कैसे पॉसिबल? जैसे आपने कहा ना कि ये तो पहले तो खुद में, बिल्कुल ना, तो एंथुजियाज्म बाह्य चीजों पर आधारित ना हो। अच्छा। नहीं, जब वो बाह्य चीजों पे आधारित है तो अप्स एंड डाउन्स होने ही होने। एंथुजियाज्म अंदर से है। और एक समझ भी लेना कि भाई जब मैं कोई काम एंथुजियाज्म से करता हूँ तो उल्टा मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता है। True. जो बेनिफिट हमने भी डिस्कस किए, तो व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति है वह उमंग उत्साह को बरकरार रखेगा। और कुछ बॉडी लैंग्वेज भी यूजफुल हो सकती है। वैसे ना दोनों है, कहते कि मन का असर शरीर पर पड़ता है और शरीर का असर मन पे भी पड़ता है। अच्छा, देखो कैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल की भी कभी एकदम डाउन है, फीवर आपको आ गया, तो फिर मन भी आपका डाउन हो जाता है। ट्रू। वो शरीर की कंडीशन है, मन पर उसने प्रभावित किया। तो मन शायद कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, परंतु बॉडी लैंग्वेज तो हमारे कंट्रोल में,
जैसे फॉर एग्जाम्पल गहरा सांस लो ना, तो तब भी आपको अच्छा लगेगा। कुछ नहीं, बॉडी लैंग्वेज से भी कर सकते, यस आई कैन डू इट, नहीं Correct. मुझे करना ही है, Correct. है ना, मेरे में वो शक्ति है, True. है ना, ऐसे बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है ना, कुछ गीत गुनगुनाने लगो, तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज को आप अच्छा बनाओ तो ऑटोमेटिक माइंड पर भी इफेक्ट होगा और फिर उमंग उत्साह आएगा, और जब आपने औरों में उमंग उत्साह भरा तो उल्टा आपको भी अच्छा लगेगा, True. है ना। तो इस कुछ इस सिंपल से तरीके उमंग उत्साह को बढ़ाने की और एक अच्छी सी बात है कि हम है ना कम सोचे, अच्छा आज ज्यादा सोच भी ऊर्जा को ले जाता है, है ना, तो ज्यादा सोचो नहीं, काम करना है ना। क्रिएटिव सोचना अलग चीज है, करेक्ट, परंतु आज देखेंगे ना तो हम फालतू ही सोचते हैं, ट्रू, है ना। आपने भी ये सुना होगा, कहते कि भी हम करीब 30,000 से 60,000 विचार करते सारे दिन में, और उनमें के 90% रिपीटेटिव है, ओके, कल किए थे वही आज हम कर रहे हैं, करेक्ट, तो वो तो अवॉइडेबल है, बिल्कुल, है ना, कि उसको कोई बार रिपीट, जितना आप कम सोचेंगे तो ऊर्जा का जो ऊर्जा यूज होती है वो कम होगी, बिल्कुल। पहले भी हमने चर्चा की है कि जो रियल पावर है वो थॉट्स के बीच में जो गैप होता है उसमें पावर है, मतलब विचारों में भी शक्ति है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा रियल पावर है दो विचारों के बीच में फासला होना, गैप होना, और आज हम छोड़ते नहीं, एक के बाद सोच ही रहे, एक साथ में दो दो विषयों पर सोच रहे, कि जिसके कारण, क्योंकि वो बीच में गैप आता ही नहीं है, इसके कारण जो रियल एक इनर स्ट्रेंथ कहे ना, वो इनर स्ट्रेंथ हमारी समाप्त हो गई है। दिस इज सो ट्रू डॉक्टर साहब, मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी सक्सेसफुल जो लोग होते हैं उनके, अगर हम स्पीकर की बात करें, जब उनके इंटरव्यूज में सुनती हूँ, किसी की भी बात करें, आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर कोई भी क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति हो जिन्होंने सक्सेस को हासिल किया है, मैंने ये नोटिस किया है कि उनकी बात करने में एक वजन होता है, साथ ही साथ उनकी संकल्प जो होते हैं बहुत फास्ट नहीं चल रही होती है, वो बहुत धीरे बोलते हैं, दो शब्दों सेंटेंसेस के बीच में भी उनके गैप होता है, तो वो जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते बोल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी, ये आप एकदम सही कह रहे हैं कि अगर हमारे थॉट्स के बीच में गैप नहीं है तो मतलब ही है कि हम इम्बैलेंस्ड है, तो ऐसे में सबसे पहले तो अपनी संकल्प शक्ति को शांत करें और फिर अपने अंदर उमंग उत्साह को भरें, भरते जाए तो ऑटोमेटिकली हमें अंदर से एनर्जाइज्ड फील होगा, परफेक्ट है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक अभी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कई बार ऐसा होता है कि एंथुसियाज्म, वैसे तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एंथुसियास्टिक रहना है, आज का दिन मैं सब कुछ कर लूंगा, सुबह जब उठते हैं तो हम लिस्ट बना लेते हैं, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, सारी चीजों की लिस्ट बन जाती है, लेकिन जब एंड ऑफ द डे आता है तब हम देखते हैं कि वो 10 कामों में से मुश्किल से 4 काम हमने किए हैं, बाकी 6 काम हम नहीं कर पाए, ये क्यों होता है? इन स्पाइट ऑफ ऑल द एंथुसियाज्म, पॉजिटिव एटीट्यूड, हम पूरी तरह से हर कार्य को पूरा नहीं कर पाते, इसको कैसे पॉसिबल है? एक तो वहाँ कहीं तो जैसे डर की बात हमने की है जी, कि व्यक्ति कई बार इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है जी, कि ये मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, अच्छा है ना, इसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी, अगर सामने वाला व्यक्ति ना बोल देगा तो क्या, तो वो डर के मारे हम पहले वो शुरुआत ही नहीं करते, करेक्ट, है ना, फियर ऑफ फेलियर से व्यक्ति शुरू ही नहीं करता ना, एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि कहीं भी अंदर में इनर्शिया है, अच्छा आपने लिख लिया कि भी 6 काम करने, परंतु यहाँ वापस वो मंग उत्साह ही आ गया कि आप में इतना इनर्शिया है कि उठ के आपने फोन भी नहीं किया, है ना, या तो किसको ईमेल करना था आपने ईमेल किया ही नहीं, तो वह सब्सटेंस है दोनों चीजों का, एक कि वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, दूसरा कि भी इनर्शिया है, तीसरा एक नहीं, इट्स अ फनी थिंग कि भाई आपको है ना वो एक्सक्यूज मिलती है, कुछ आप एक्सक्यूज ढूंढते, ओके,
भी ये मैंने नहीं किया है ना, और फिर बाद में जब कुछ आएगा तो कोई ना कोई एक्सक्यूज को आपने पहले से ही सोच लिया। ओके, कई बार मैं कहता हूँ कि भी एक्सक्यूज ढूंढने में आप जितना टाइम लगाते हैं उतने टाइम में तो काम हो जाएगा वो। सचमुच करने लगो तो वो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल। परंतु क्योंकि कहे कि भी एक प्रकार की स्टेट ऑफ माइंड बन गई, बिल्कुल, कि हमको वो नहीं करना है और फिर ये बहाना बताना, तो ये भी अगर व्यक्ति खत्म कर दे, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करे, तो उससे भी एक तो पीस ऑफ माइंड, जैसे कि ना गैप बिटवीन द थॉट्स, वो कई बार पॉसिबल नहीं है, कई लोग नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट इतना तो करो कि थोड़ा मेडिटेशन करो ताकि मन शांत हो, मन शांत होगा तो ऑटोमेटिकली आप करेंगे। True. चाहे तो बीच में आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओ, नहीं अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो लेट भी जाओ 5 मिनट, है ना, एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जिससे एनर्जी लेवल ला सकते हैं, है ना, कि भी वो कहते हैं कि हमारा माइंड कंडीशन होता है, है ना, तो एक अच्छी सी टेक्निक है जैसे मैं आमतौर पर ऐसे करता हूँ कि पहले जैसे लेट जाओ, एकदम डेड बॉडी की तरह लेट जाओ, राइट लेफ्ट जैसा भी आप चाहो, और फिर अपने आप को पहले से कहो कि मैं 20 से 0 तक गिनती करूंगा, जैसे जैसे मैं नीचे गिनती करूंगा मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। ओके। जब मैं 0 तक पहुंचूंगा तब मेरा शक्ति का स्तर बहुत ऊंचा हो गया होगा। वाओ। और सच में स्लोली काउंट करो, 20, 19 नहीं एनर्जी, 18 एनर्जी, 17 एनर्जी, ऐसे फिर 10 के नीचे आओ तो कुछ हो सकते, लॉट्स ऑफ एनर्जी, है ना, 9 लॉट्स ऑफ एनर्जी, 8 लॉट्स ऑफ एनर्जी, 7 फुल ऑफ एनर्जी, ऐसा कि आप देखना, मैंने कई बार देखा एकदम थके हुए है, मैं कई बार मेरे असिस्टेंट को भी बोलता कि भी बस 2 मिनट आओ, और 2 मिनट में हो जाता है, बहुत थके तो भी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, और हाँ, और करते रहो ना, तो फिर तो आप 10 से 0 पर भी आ सकते हैं। करेक्ट, और उस समय आपको सबसे ज्यादा एनर्जी फील होगी अपने अंदर में। डॉक्टर साहब, आज की जो हमारी जर्नी रही है, कहीं ना कहीं हमने ये जानने की कोशिश की कि उमंग उत्साह भरी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बाधा डालती हैं। हमने ये भी जाना कि किस तरह से अपनी एंथुसियाज्म को हम बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि क्या इम्पोर्टेंस है एंथुसियाज्म की। परफेक्ट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक्स अ लॉट। ओम शांति। ओम। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने उमंग उत्साह के बारे में बातें की, हमने जाना कि जिंदगी उमंग उत्साह का नाम है। दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है, किसी भी सक्सेस, किसी भी छोटी से छोटी चीज या फिर किसी बड़े से बड़ी चीज को हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हमारी सोच से होती है, हमारी इनिशिएट करने के तरीके से होती है। अगर हम खुद को सदा उमंग उत्साह से भरपूर रखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है लाइफ में, वो आपको तंग नहीं करेगी और आप धीरे धीरे अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।